नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। साल 2022 शुरू होने के बाद अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि चुनाव आयोग 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कब करता है और देश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए किस तरह चुनाव कराए जाएंगे। चुनावी राज्य पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की बड़ी घटना पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों से सुरक्षा व्यवस्था पर भी रिपोर्ट मांगी है। आयोग 5 राज्यों में मतदान चरणों को अंतिम रूप देने में जुटा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को 5 चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात और कानून व्यवस्था पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। चुनाव की तारीखों और चरणों को लेकर आयोग कुछ ही दिनों में घोषणा कर सकता है। जहां यूपी में 5 से 7 चरणों में मतदान हो सकते हैं, तो वहीं पंजाब में 1 से लेकर 2 चरणों में चुनावी रूपरेखा तैयार करने की योजना है। मणिपुर में 1 या 2 चरण में और गोवा और उत्तराखंड में 1-1 चरण में मतदान करवाया जा सकता है। चुनावों के आयोजन को लेकर सबसे बड़ी चिंता कोरोना के खतरे पर है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए कड़ी चुनौती होगी। हालांकि पिछले साल पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों के चुनाव देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुए थे। चुनाव आयोग ने कोविड के मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया से भी 5 चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और 5 राज्यों में ज़्यादातर लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज सुनिश्चित करने पर भी रिपोर्ट ली है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट करने को कहा है। कोरोना के कारण इन राज्यों के चुनाव में एक बूथ पर केवल 1250 मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। हमारी इस वीडियो में इतना ही। चुनाव को लेकर और भी अपडेट्स आप तक न्यूज रूम पोस्ट के माध्यम से यूं ही पहुंचती रहेंगी। नमस्कार।